एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आई एम रितु शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडे सेशन. आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल सेशन के अंदर. आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड. आई होप एवरीवन इज प्रिपेयरिंग वेल फॉर देयर एग्जाम्स, राइट? सो गुड मॉर्निंग अगैन. सो आज हम अपना एडिटोरियल सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले मोटिवेशन आपके लिए क्या है. सो लेट्स सी इट ऑन द स्क्रीन. आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप. The most certain way to succeed is always to try just one more time. So just one more time, ये सोच के इस बार भी preparation शुरू कर दो कि okay, this time I will get success, right? So the only weakness you have, that is giving up. So don't give up, never give up, right? The only time you give up, that is the only time when you fail, right? Every day I come and in the morning I say these type of things ki aap give up mat karo, quit mat karo, right? So I hope I make at least a change in one person life, right? So if I can do that, then my things, my time will be successful, right? So main bas ye chahti hu ki jiske jitne bhi sapne hain wo sabhi pure ho. और कोई भी गिव अप ना करे, राइट? तो गिव अप, गिविंग अप इज़ आर वीकनेस. सो जस्ट फॉरगेट अबाउट द वीकनेसेस एंड फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स एंड लेट्स प्रैक्टिस इट फॉर वन मोर टाइम. सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन और लेट्स स्टार्ट आर टुडेज एडिटोरियल सेशन एंड वी विल स्टार्ट विद आर वोकैबुलरी फर्स्ट एंड देन विल प्रोसीड टू द न्यूज़पेपर. तो वन बाय वन करके देखते हैं कि आपके वोकैबुलरी सेशन में क्या है. ओके चलो स्क्रीन पे आते हैं. नेक्स्ट वोकैबुलरी देखते हैं जल्दी से कि क्या क्या इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है. सो जो भी है ये फ्रेश है, एक बार स्क्रीन पे दिखाया जाए. ओके सो जो भी है आज ही के न्यूज़पेपर से वोकैबुलरी ली गई है, इट इज़ लाइक वेरी फ्रेश. ऐसा कुछ भी लाइक न्यू ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता इनफैक्ट कि कभी भी पुरानी वोकैबुलरी आए. तो आपके लिए बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी है. आप जितना सेंटेंस फॉर्म करोगे, जितना आर्टिकल लिखोगे, वोकैबुलरी लर्न करने का मकसद वही होता है, राइट? स्कटल आता है पहला वर्ड, डेलिबरेटली कॉज टू फेल, राइट? किसी चीज को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज को डेलिबरेटली आप फेल करते हो, राइट? सो दैट इज बेसिकली सम ऑफ स्टॉक होल्डर्स आर थ्रेटनिंग टू स्कटल द डील. ओके राइट. सो सम ऑफ स्टॉक होल्डर्स क्या है? थ्रेटनिंग टू स्कटल द डील. जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं दे आर थ्रेटनिंग टू डिस्ट्रॉय द डील, टू फेल द डील. तो किसी भी चीज़ को स्कटल करना मतलब उसका एंड पे ले आना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, उसको नष्ट करना. नेक्स्ट वी हैव इनट्रांसिजेंट. इनट्रांसिजेंट मतलब अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वन व्यूज टू डिसएग्री अबाउट समथिंग. किसी के भी व्यूज जो होते हैं आप उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है? मतलब अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वन व्यूज. इफ यू आर रिफ्यूजिंग, ठीक है, टू चेंज समवन व्यूज, जैसे कि हर फादर हैड ट्राइड पर्सुएशन बट शी वॉज इनट्रांसिजेंट. मतलब उसके जो फादर थे उसने सब कुछ ट्राई कर लिया, उसको फोर्स करके भी ट्राई कर लिया, बट शी वॉज इनट्रांसिजेंट. मतलब अपने व्यूज को चेंज नहीं करना चाहती थी वो. सो वन पर्सन हु इज अनविलिंग, अगर मैं अनविलिंग हूँ किसी भी चीज को लेकर कि मुझे अपने व्यूज चेंज नहीं करने हैं, राइट? तो आप इसका एक सेंटेंस बना के दिखाओ कि आप अपने लिए बोल सकते हो दैट यू आर इनट्रांसिजेंट, दैट that how many times I occur with failure, I will get up and once again I'll get up and start preparing for my exam. So इस तरह से आप use कर सकते हो एक sentence intransigent. तो जल्दी से एक sentence जो है मेरे को form करके यहाँ पे comment करके बताओ कि let's see कौन सबसे अच्छा यहाँ पे sentence put up कर सकता है. Okay चलो next है amicable. नेक्स्ट है हमारे पास amicable, characterized by friendliness and absence of discord. मतलब सिंपल absence of discord मतलब होता है disagreement, right? If you are disagreeing with something, तो if you are friendly with someone और आप किसी से disagree नहीं करते हो, so that means you are amicable, right? An amicable settlement of the dispute. मतलब जो settlement था एक friendly settlement हो गया, जितना भी dispute हो रखा था, जितना भी discord था उसका क्या हो गया, एक फ्रेंडली सेटलमेंट हो गया. ओके तो नेक्स्ट हमारे पास है पैरोनिया, राइट? व्हाट इज, जब आपको कहा जाता है कि दैट यू आर पैरानॉइड, राइट? तो दैट मींस यू आर लाइक हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू आर मैड.
अब मेंटल कंडीशन, इट इज़ समथिंग, एक मेंटल कंडीशन होती है. अ पर्सन या तो काफ़ी जेलस हो, काफ़ी एक्सट्रीम जो उसके अगर थॉट्स हो, राइट, अगर वो डिल्यूजन में रहे, जेलसी में रहे, या फिर अपनी सेल्फ इम्पॉर्टेंस रखे, राइट, तो दैट इज़ बेसिकली पैरानॉइड, मानसिक उन्माद आप कह सकते हो. वन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल कंडीशन, दैट इज़ अ पैरानिया, राइट. अ पर्सन हु इज़ पैरानॉइड इज़ बेसिकली हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैडनेस. ओके, तो ये गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. और जल्दी से यहाँ पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बारी एडिटोरियल सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता चल जाए, राइट. सो चाइना इज इंट्रांसिजेंट अबाउट हिज डिसीजन टू सपोर्ट UN मेंबर्स टू बैन मसूद अजहर, नूतन भारद्वाज ने बोला, एंड इट इज़ अ वेरी गुड सेंटेंस. और आज आर्टिकल भी आया आपका मसूद अजहर पे दोबारा से बैन करने पे. तो इंडिया और US, सॉरी चाइना और US का जो रिलेशनशिप है उस पर आर्टिकल आया, लेट्स सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वोकैबुलरी वर्ड्स फिनिश कर लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव डिसेंट. डिसेंट अगेन, अगर आप आपके ओपिनियंस किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं, जैसे कि टू मेंबर्स डिसेंटेड फ्रॉम द मेजॉरिटी, जो दो लोग थे जो मेजॉरिटी में से, उनका क्या था, डिसेंटेड, मतलब ये दो लोग मेजॉरिटी में नहीं थे, जो भी मेजॉरिटी का डिसीजन था उसके अगेंस्ट में थे. ओके, इन ट्रांसिजन टूवर्ड्स फेलियर वुड हेल्प टू अचीव ग्रेटर हाइट्स, कोमलप्रीत, वेरी नाइस सेंटेंस, राइट. चलो नेक्स्ट वी हैव टिंकर. टिंकर क्या होता है, अटेम्प्ट टू रिपेयर और इम्प्रूव समथिंग. तो जल्दी से मुझे एक डिसेंट पे बता के दिखाओ, ठीक है. डिसेंट पे आप कोई भी, आप इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, किसी भी सेंटेंस बना सकते हो. तो डिसेंट इज समथिंग कि अगर आप एग्री नहीं करते हो किसी की बात से, तो दैट इज बेसिकली डिसेंट. अटेम्प्ट टू रिपेयर और इम्प्रूव समथिंग इन अ कैजुअल और डिजल्टरी वे, मतलब किसी भी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, जस्ट रिपेयर करना. He spent hours tinkering with car. मतलब वो कार के साथ उसको क्या कर रहा था, रिपेयर करने में उसने काफ़ी घंटे व्यतीत कर दिए, राइट. सो दैट इज टू रिपेयर समथिंग, टू इम्प्रूव समथिंग, दैट इज टिंकर. तो वर्ब की तरह यूज होगा, आप यूज कर सकते हो ही स्पेंड आवर्स टिंकरिंग विद द कार, राइट. चलो नेक्स्ट वी हैव प्रोविनेंस. प्रोविनेंस क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ समथिंग एग्जिस्टेंस, समथिंग ओरिजिन, ठीक है. किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज़ का ओरिजिन होना, राइट, किसी भी चीज़ की शुरुआत होना, दैट इज प्रोवेनेंस. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल यूनिवर्स, द प्रोवेनेंस एंड फेट, राइट. सो दे ट्राई, यूनिवर्स का क्या कर रहे थे, वो यूनिवर्स कहाँ से बिगिन हुआ था. सो यूनिवर्स कहाँ से आपका बिगिन हुआ था और उसका फेट जानने की वो क्या कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, राइट. तो आप प्रोवेनेंस किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, आप अपनी अपनी सोच के लिए यूज कर सकते हो, योर अंडरस्टैंडिंग, योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड, राइट. और आप इकोनॉमी के लिए भी यूज़ कर सकते हो और रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो, राइट. सो दैट मीन्स इट इज़ अ बिगनिंग ऑफ एनी रिलेशनशिप, राइट. सो इस तरह से भी यूज़ किया जा सकता है. इंडिया इज़ ऑलवेज डिसेंडेड फ्रॉम बैकिंग टेररिस्ट एंड टेररिज्म, श्रेया ने कहा है, गुड. देर इज़ ऑलवेज अ डिसेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, येस, ये भी सही है, काफ़ी ये तो नॉर्मल है ही. ओके, नेक्स्ट आते हैं ट्रैविसिटी. तो ट्रैविसिटी हमारे पास अ फॉल्स, अब्सर्ड और डिस्टॉर्टेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, कोई भी अगर गलत चीज हो रही है, ठीक है. जैसे कि ट्रैविसिटी ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस क्या है, वो फॉल्स जस्टिस है, खराब जस्टिस है, डिस्टॉर्टेड जस्टिस है. दैट मीन्स कोई भी चीज खराब हो, ठीक है, तो दैट इज योर ट्रैविसिटी. ट्रैविसिटी क्या हो जाएगी आपकी, कोई भी चीज अगर खराब है तो, राइट. सो नेक्स्ट वी हैव मिन्यूशे. मिन्यूशे मतलब द स्मॉल, प्रिसाइज और ट्रिवियल डिटेल्स, जो हम माइन्यूट बोलते हैं, ठीक है, दैट इज़ द वर्ड यहाँ पे जो लिखा गया है. किसी भी चीज़ की, किसी भी आर्टिकल की अगर हम कहें, तो हम उसकी माइन्यूट डिटेल्स पे जो हम जाते हैं, दैट इज आपकी मिन्यूशे, राइट. सो द मिन्यूशे ऑफ एवरीडे लाइफ, सो मतलब डिटेल्स ऑफ एवरीडे लाइफ. कभी भी आप ट्रिवियल डिटेल्स, प्रिसाइज होके स्मॉल स्मॉल डिटेल्स पे जब आप जाते हो, दैट इज मिन्यूशे. ओके, ओके, गिव मी वन टॉपिक, अंजू परिहार, ठीक है. मैं आपको टॉपिक दूंगी, एक बारी पहले आज के टॉपिक्स हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको टॉपिक दूंगी, राइट. तो जो भी मैं आपको बता दूं किस तरह से आप किस पे एक आर्टिकल यहाँ पे लिख सकते हो. सो लेट्स कम ऑन द स्क्रीन, एक बार स्क्रीन पे आते हैं और फिर हम न्यूज पेपर देखेंगे, राइट. स्क्रीन पे लाया जाए एक बारी. ओके, यहाँ पे एक बारी स्क्रीन पे लाया जाए मुझे, थैंक यू. चलिए हम एक बारी न्यूज़पेपर देखेंगे अपना और फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने वन बाय वन.
राइट। चलो एक बारी मैं जस्ट ओपन कर लेती हूँ, तब तक आप मुझे सेंटेंस फॉर्म करके दिखा सकते हो कि आपका सेंटेंस क्या हो सकता है। ओके, ही टोल्ड मी इंसिडेंट इन मिन्यूशे वे, सविता ने बोला है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मतलब आपने इंसिडेंट क्या बताया, बिल्कुल उसकी माइन्यूट डिटेल्स में जाके आपने सेंटेंस को बताया। राइट, सो आई एम जस्ट ओपनिंग आपका ओपन का जो एडिटोरियल का जो सेक्शन आया है, सो इट विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स। सो तब तक आप, मैं आपके सेंटेंसेज और कॉमेंट्स पढ़ रही हूँ, आप मुझे यहाँ पे कॉमेंट करते रहिए। मैम गाइड मी हाउ टू राइट आर्टिकल, देखो गाइड आप एडिटोरियल देखते रहोगे ना तो मैं आपको गाइड करती ही रहती हूँ, और अदरवाइज एक मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ जिसमें मैं ऑलरेडी गाइड कर चुकी हूँ, तो आप अड्डा 247 का जो चैनल है उसी पे जाके हाउ टू राइट अ गुड आर्टिकल, ठीक है। सो मैं आप उसको एक बार देखोगे तो इट विल रियली रियली हेल्प यू। एंड आते हैं हम अपनी स्क्रीन पे वापस, तो रफेल बफ हमारे सामने यहाँ पे है, रफेल रिबफ, राइट। तो यहाँ पे रफेल डील के बारे में यहाँ पे दिया गया है, अगेन इसको एक बार जूम करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, अटेम्प्ट्स टू डी लेजिटिमाइट इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म, मतलब इसका मतलब क्या है, जो आपका जर्नलिज्म है आपकी, ठीक है, जो न्यूज़पेपर्स है उसको जो इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे यहाँ पे, राइट, तो उनको यहाँ पे फ्रीडम दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। तो आपको अगर याद हो तो कुछ डेटा लीक आउट हुआ था और ऐसा एलिगेशन द हिंदू पे भी आया था, ठीक है, सो पब्लिश्ड बाय द हिंदू, अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, राइट, वो लीक होने के कारण, राइट, वो आपका जो बाकी ऑपोजिशन जो सेंटर में पार्टी है उन्होंने क्या बोला कि हम इस पे आपका सीक्रेट एक्ट लगाते हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, दैट मींस उसके अंडर में आपसे आप किसी भी प्राइवेट किसी भी पर्सनल डॉक्यूमेंट को वहां पे नहीं पब्लिक कर सकते हो, राइट। सो उन्होंने पब्लिक किया, इसके लिए उस पे उनको उनको क्या क्या दी जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये आर्टिकल है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है रफेल के बारे में, क्योंकि एक नया स्टेप आया है रफेल के लिए और इलेक्शंस होने से पहले आया है, तो लेट्स सी कि आखिर आपका ये क्या डिसीजन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन देख सकते हो टू कंसिडर क्या डिसीजन यहाँ पे आया है, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं ट्रिकरीज ऑफ द मनी बिल, तो यहाँ पे मनी बिल के अंदर कुछ ट्रिक्स होती है, ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं अलग अलग, राइट। आपको अगर याद हो तो आधार बिल को जो पेश किया गया था वो मनी बिल में मनी बिल करके पेश किया गया था, राइट। सो उसी के अंदर बताया गया कि जो मनी बिल है, राइट, उसकी क्या क्या यहाँ पे ट्रिक्स है और क्या इसमें चेंजेस होने चाहिए, तो ये हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके आधार बिल भी इसमें लिखा गया है कि क्या क्या इसके प्रोविजंस हैं, सो वी विल सी सम पॉइंट क्या ये इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ के थ्रू इसको बाद में देखेंगे। और हम आते हैं इसके अंदर फोर्सिंग चाइनाज हैंड, तो आपको पता है कि जो यूएस का इनिशिएटिव है टू हैव मसूद अजहर ब्लैक लिस्टेड एट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेक्स अ न्यू टर्न, तो यहाँ पे आपका यूएस ने इनिशिएटिव लिया था मसूद अजहर को बैन करने के लिए, एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उन्होंने रेजोल्यूशन जो है पेश कर दिया है, तो अब ये फोर्सिंग चाइनाज हैंड मतलब चाइना और यूएस के रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है। आपको पता है दीज टू आर द मोस्ट सुप्रीम मोस्ट व्हाट इज मनी बिल तरुण, आई विल टेल यू जैसे हम आर्टिकल पे आएंगे, यस। तो आते हैं, अभी मैं आपको वन बाय वन सब बताऊंगी, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे आते हैं पहली बात, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने रेजोल्यूशन दिया था और चाइना ने अगेन क्योंकि चाइना ने अपनी जो वीटो पावर थी वो एक्सरसाइज की थी, तो अब जो प्रेशर हो रहा है चाइना के ऊपर, एंड दिस इज टेलिंग कि यूएन और आपका चाइना का रिलेशनशिप क्या है, अगेन हम इसको पीडीएफ के थ्रू देखेंगे, राइट। तो ये आते हैं दंतवेदा एम्बुश, राइट, तो यहाँ पे हुआ क्या है, छत्तीसगढ़ में कुछ मोइस अटैक हुआ था यहाँ पे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुछ मोइस अटैक हुआ था, जो आपके इलेक्शन से जस्ट पहले, जो आज इलेक्शन होने वाले हैं उससे जस्ट पहले यहाँ पे अटैक हुआ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जितने भी लोग हैं आपके जो वोटर्स हैं आपके वो डर गए, राइट। और इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है और गवर्नमेंट ने कि जितना भी वहाँ पे सिक्योरिटी है वहाँ पे टाइट होनी चाहिए और इलेक्शंस रुकने नहीं चाहिए, राइट। तो इलेक्शन कमीशन हैज टेकन द करेक्ट डिसीजन टू गो अहेड, आप पहली लाइन में देख सकते हो, टू गो अहेड विद द फर्स्ट फेस ऑफ पोलिंग, तो मतलब जो भी आपका इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि ओके मॉइस अटैक हुआ है तो हम सिक्योरिटी वहाँ पे टाइट कर देंगे बट इलेक्शन यहाँ पे नहीं रुकने चाहिए, तो आपके लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के अंदर और आपके इलेक्शन आज शुरू हो गए हैं,
सो लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है. राइट, सो लेट्स कम ऑन द स्क्रीन नाउ. वन बाय वन करके हम यहाँ पे आर्टिकल देखेंगे. सो आपका जो दंतवेदा एम्बुश था, इट वॉज नथिंग, एक इशू था क्योंकि मोइस अटैक हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर. तो इलेक्शन कमीशन को क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो वहाँ पे सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए ताकि जितने भी वहाँ के वोटर्स हैं उनको एक सिक्योरिटी का एहसास हो. राइट, सो दिस वॉज इट, आपका ये आर्टिकल था. अब वन बाय वन हम देखेंगे. आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं, तो आप बने रहना मेरे साथ. एंड गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू. और लेट्स सी आवर फर्स्ट आर्टिकल ऑन द स्क्रीन. राइट, सो रीबफ, बफ क्या होता है, मतलब इट्स लाइक अ, इसको दोबारा से चेंज किया गया है. राफेल के अंदर जो रीबफ चल रहा था, मतलब आपको पता है कि हमें पता नहीं चल रहा था कि आखिर जो राफेल डील है क्या वो करप्टेड है या नहीं है, या फिर जो राफेल डील है वो सामने क्यों नहीं आ रही है. तो उसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अब डिसीजन दे दिया है. राइट, सो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ पहले कि आपको अगर याद हो तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट जो है राफेल डील के लीक कर दिए गए थे. राइट, और द हिंदू पे भी बोला गया था कि आपने लीक किए हैं जब हमने आर्टिकल पढ़ा था बाय कपिल सिब्बल. राइट, और कितने लोगों को यहां पे याद है वो आर्टिकल, जब मैंने आपको पूरा आर्टिकल अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि राफेल डील आखिर क्या है. सो राफेल डील का कुछ डॉक्यूमेंट जो बाहर सामने आए थे, राइट, और उससे हमें जानने को मिला. बट उसके बाद जो आपके अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने क्या बोला कि राफेल डील जो है एक सीक्रेट डील है एंड हम उसको पब्लिशाइज नहीं कर सकते हैं, और जिन्होंने इसको पब्लिशाइज किया है उन पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगना चाहिए. तो उसी के अगेंस्ट में आपका सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है. राइट, ओके, सो पीडीएफ आपको आई थिंक कल आपको पीडीएफ नहीं मिल पाई है, अदरवाइज मैं आपको चैट में कर देती हूँ. सो डोंट वरी, आपका जैसे सेशन खत्म होगा आप लाइव चैट के अंदर ही आपको पीडीएफ बॉक्स में बाय माय नेम आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं. द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू कंसिडर द रेलेवेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स पब्लिश इन द मीडिया ऑन द राफेल डील इज अ फर्म एंड अ नेसेसरी रिबफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट जुडिशियल एग्जामिनेशन. तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी क्या चाहती थी, जुडिशियल एग्जामिनेशन चाहती थी इन पेपर्स के ऊपर. कौन से पेपर्स, जो लीक हुए थे. सो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया है कि आपको पब्लिशाइज करना पड़ेगा, दैट इट इज रेलेवेंट टू पब्लिशाइज दीज डॉक्यूमेंट इन द मीडिया, आपको ये पब्लिशाइज करना पड़ेगा. ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है. सो द कोर्ट यूनानिमस वर्डिक्ट, आपका कोर्ट का एक डिसीजन आया. व्हाट इज यूनानिमस, मतलब एकता के साथ एक डिसीजन आया है. रेंडर्ड इन टू टू कॉन्करिंग ऑर्डर्स बाय अ थ्री जज बेंच मीन्स दैट रिव्यू पिटिशंस फाइल्ड अर्लियर ऑर्डर्स डिक्लाइनिंग एन इन्वेस्टिगेशन इन टू द परचेज ऑफ राफेल जीज विल नाउ बी टेकन अप ऑन मेरिट्स. तो जो भी आपका डिक्लाइन राफेल की इन्वेस्टिगेशन के लिए, पहली बात कि इन्वेस्टिगेशन होगी आपकी राफेल डील के अंदर, एंड दैट द पिटिशनर्स आर फ्री टू रिलाई ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रोविनेंस. कह रहे कि और जो जितने भी पिटिशनर्स हैं वो इन डॉक्यूमेंट्स को, कौन सी डॉक्यूमेंट्स, जो आपकी लीक हुई है वो आपका इसको कंसिडर कर सकते हैं, है अपने लिए क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं. सो द गवर्नमेंट डेस्परेट अटेम्प्ट्स टू प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम रिलाइंग. गवर्नमेंट के क्या थे, गवर्नमेंट वाज हैविंग डेस्परेट अटेम्प्ट्स, गवर्नमेंट के बहुत सारे डेस्परेट अटेम्प्ट्स थे कि ठीक है आपका, दे वर रिलाइंग ऑन दिस पेपर, और वो चाहते थे क्या लगे आपके, जिसने भी आपका ये लीक किया है उन पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगे. राइट, जिन्होंने ये क्या करे, स्टोल करे हैं. राइट, बट ऐसा हो नहीं पाया है. और नेक्स्ट हमारे पास है, लेटर इट टोर डाउन द एलिगेशन सेइंग दैट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैड. देखो पहले इन्होंने क्या बोला था, अगर किसी को याद हो कि राफेल डील के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चुरा लिए गए हैं. राइट, और किस पे एलिगेशन आया था, कुछ ऑपोजिशन पे, और कह सकते हो द हिंदू पे एलिगेशन आया था. राइट, और अगेन अब क्या बोल रहे हैं, अब उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट है वो चेंज कर ली है और बोल रहे हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैड नॉट बीन स्टोलन, वो चोरी नहीं हुए थे एंड वाज पर पब्लिश वर अनऑथराइज फोटोकॉपीज. अब कह रहे हैं कि दे वर जस्ट द मेयर फोटोकॉपीज, केवल फोटोकॉपीज थी, और पहले क्या कह रहे थे, दे वर स्टोलन. सो देखो कितना बड़ा, मतलब थोड़ा सा तो चेंज है ही ना आपकी स्टेटमेंट के अंदर. नन ऑफ द क्लेम इंप्रेस द कोर्ट, कह रहा है कि ये तो क्लेम जो है कोर्ट को इंप्रेस नहीं किया. विच relied on the principle that how a piece of evidence is obtained is immaterial as long as it is irrelevant to adjudicating an issue. कह रहा है कि जब तक ये issue के अंदर है, मतलब it is, if it's an issue, तो वो आप उसको कैसे एक secret document रख सकते हो, आपको उसको publicize करना चाहिए. The decision on the admissibility of the documents has significance beyond the Raphael issue. It refies the right of a free press. तो what is
ये जो आपका एडमिसिबिलिटी दी है डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपके लीक हुए थे, ये आपका क्या देती है? लीक होने से आपका ये सिग्निफिकेंस पहली बात तो ये बताती है कि एक तो आपके प्रेस को फ्री राइट है, ठीक है, और दूसरा अंडरस्कोर्स इट्स प्रिंसिपल दैट पब्लिक इंटरेस्ट एंड नॉट द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट अलोन, और दूसरा आपका इसका इसमें पब्लिक इंटेंट पब्लिक इंटरेस्ट लाई करता है. ऑब्वियसली बात है, आपका पैसा जो जा रहा है दैट इज फ्रॉम द टेकन फ्रॉम द पीपल राइट फ्रॉम द टैक्स. सो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंड जितने भी फ्री प्रेस, क्योंकि एलिगेशन किस पे आ रहा था? आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपका प्रेस पे आ रहा था जो बैन कर देगा प्रेस को कि आप इस पे कुछ भी नहीं बोल सकते हो, राइट. तो ये दोनों चीजों क्या है, ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है. तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो है आपके, उन्होंने भी ये कहा है कि OSA nor any other law vests any power in the executive to stop, कह रहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर ऐसे अंदर कोई भी पावर नहीं है कि कोई ऐसी डॉक्यूमेंट जो सीक्रेट है और द प्लानिंग और द प्लेसिंग ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ विच मे बी कॉल्ड अपॉन टू एजुकेट अ लीगल इशू. कह रहे हो कि अंडर द आप OCA एक्ट के अंडर में आप छिप नहीं सकते हो, यू हैव टू टेक आउट द डिसीजन. आपको ऑफिशियल एक्ट सीक्रेट एक्ट के तहत में आप ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट बोल के आप नहीं छुपा सकते हो, राइट. तो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात यहाँ पे प्रेस को फ्रीडम दे दी गई है और दूसरा यहाँ पे आपका पब्लिक इंटरेस्ट में से शो करने की बात की गई है राफेल डील को. सो कंक्लूजन क्या है, इट इज प्री मेच्योर टू कंक्लूड बेस्ड ऑन दिस डेवलपमेंट दैट द कोर्ट्स अर्लियर डिसीजन टू नॉट ऑर्डर, पहले क्या था कि इस पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू करा था कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राइट. अब ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी शुरू कर सकता है. हाउएवर इट विल सर्टेनली हैव प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द मर्की डील हैड द गवर्नमेंट, कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट पहले एग्री कर जाती तो, हैड द गवर्नमेंट एग्री टू पार्लियामेंट्री प्रोब अर्ली ऑन इट वुड नॉट बी सफरिंग द सॉर्ट ऑफ सेटबैक हैज नाउ फेस्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. सो व्हाट इज दिस आर्टिकल, ओके, वॉट इज दिस आर्टिकल, ये आपका राफेल डील पे एक आर्टिकल है, ठीक है, छोटा सा आर्टिकल है. बोल क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उन्होंने गवर्नमेंट ने डिमांड की थी उसको बंद कर दिया गया है और बोला है कि जो राफेल डील के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सामने आने चाहिए, दे आर रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट. और दूसरा जो फ्री प्रेस पे आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगाया था वो खत्म कर दिया है कि प्रेस कैन स्पीक, एंड तीसरा कि यहाँ पे हो सकता है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो जाए आपके अगेंस्ट द राफेल डील, राइट. सो ओके ज्योति, आई विल चेक योर मेल, राइट. सो ओके प्लीज स्लो डाउन. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इतना समझ में आ गया, कितने लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया मुझे येस करके बताओ, राइट. मर्की इज समथिंग जो कि आपका कुछ बेकार डील, ठीक है, दैट इज ग्लूमी, समथिंग इज बैड डील, राइट. ओके तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया येस और नो. अगर येस आपको समझ में आ गया है तो प्लीज यहाँ पे लाइक करो. द हिंदू की PDF आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स लाइव चैट के अंदर मैं आपको मेल कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट. कितने लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया है कि व्हाट इज दिस आर्टिकल. और नेक्स्ट हमारे सामने आप देख सकते हो कि एक न्यू आर्टिकल है जो कि आपका है चाइना और US के बारे में, राइट. तो US इनिशिएटिव टू हैव मसूद अजहर ब्लैकलिस्टेड एट द UN सिक्योरिटी काउंसिल, ये आपका US ने क्या लिया है, डिसीजन लिया है. तो देखो US की जो UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर आपको क्या देखना है, ईच सिक्योर काउंसिल मेंबर हैज वन वोट, डिसीजन नीड एट लीस्ट 9 ऑफ द 15 मेंबर्स ऑफ वोट्स. मतलब हमें पहली बात क्या चाहिए, 9 वोट्स चाहिए, ठीक है. और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, दूसरी चीज यहाँ पे क्या है आपके सामने, देखो ये आपके 5 मेंबर्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर 5 मेंबर्स. तो ये UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल मेंबर्स आर योर 15, दीज आर एंड दीज 5 मेंबर्स आर योर परमानेंट मेंबर्स. सो दीज आर योर परमानेंट, और बाकी के जितने भी आपके 10 मेंबर्स यहाँ पे बचे हैं, दीज 10 आर योर नॉन परमानेंट. क्लियर है सभी को? सो दिस इज योर नॉन परमानेंट मेंबर्स और ये आपके परमानेंट. तो ये जितने भी आपके US, रशिया, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, इनके पास पावर है किसकी, वीटो को एक्सरसाइज करने की. मान लो कि मसूद अजहर को बैन करना है तो 15 तो पहले आपके मेंबर्स हैं, तो मेजॉरिटी आपकी क्या हो गई, 9 हो गई. तो 9 लोगों का यहाँ पे वोट चाहिए. और जब आपका फ्रांस ने यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया था तो उसमें से आपके अराउंड 15 में से 14 ने आपका यहाँ पे वोट किया था और एक चाइना था जिसने अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर लिया. अगर वीटो पावर एक्सरसाइज कर लिया जाए तो कोई भी रेजोल्यूशन हो चाहे वो आपका खत्म हो जाएगा और उस पर डिसीजन नहीं आएगा. क्लियर है सभी को?
5 है वीटो पावर, क्लियर। ये पॉइंट किसको किस किस को क्लियर है कि, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको करंट अफेयर से भी पूछा जा सकता है कि कितने आपके परमानेंट मेंबर्स हैं, कितने आपके नॉन परमानेंट हैं, क्योंकि परमानेंट मेंबर के पास ही आपकी वीटो पावर है, बाकी के सभी मेंबर के पास वोटिंग करने की पावर है, बट 5 परमानेंट मेंबर जो है उनके पास क्या है, आपकी वीटो पावर है। ओके, सो यू ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूएस। चलो नेक्स्ट हम आर्टिकल पे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन लास्ट मंथ आपको याद है यूएस ने अपना क्या किया था, एक रेजोल्यूशन, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रपोज किया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है। तो आपके 15 जो मेंबर्स हैं उनके सामने रखा, मार्च 27 को ये रखा गया था, टू ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान बेस्ड जशे मोहम्मद चीफ, किसको, मसूद अजहर को बैन करने के लिए। काफी इजी है ये तो, सभी को पता ही है, राइट, यस मैम, क्लियर। तो ये याद रखना है, ठीक है, आपसे याद रखना कि कौन से आपके परमानेंट है, कौन से नॉन परमानेंट है। वीटो मतलब होता है स्पेशल पावर, ठीक है, मतलब मेरे पास एक स्पेशल पावर है कि अगर कोई रेजोल्यूशन आपका पास किया गया है तो मैं उसके अगेंस्ट में वोट कर सकती हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है। अगर आपने वोट वीटो पावर का एक्सरसाइज कर लिया तो वो रेजोल्यूशन वहीं का वहीं रह जाएगा और वो आगे आपका इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, राइट। अगर टोटल पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं, अगर टोटल पूछा जाए आपसे बोलेगा कि टोटल सिक्योरिटी मेंबर्स पूछे जाए तो आपके सामने 15 हो जाएंगे, टोटल परमानेंट सिक्योरिटी पूछा जाए तो आपके 5 हो जाएंगे, लिखेगा वो क्वेश्चन के अंदर परमानेंट बताओ कितने हैं, राइट, और टोटल में 15 हो गए। इट डिड नो नोइंग फुल द चाइनीज पोजिशन ऑन द इशू ऑफ चाइना हैड पुट अ होल्ड ऑन फ्रेंच प्रपोजल, और कह रहा है कि इसको जानते हुए कि जो फ्रेंच ने प्रपोज किया था, इससे पहले किसने रेजोल्यूशन प्रपोज किया था, आपका फ्रांस ने, ठीक है, फ्रांस ने किया था टू बैन अजहर, मसूद अजहर, राइट। Washington has underlined that it would utilize all available avenues to assure that Azhar is held accountable. कह रहा है कि जो Washington है, मतलब Donald Trump ने बोल दिया है कि सब कुछ करने को वो तैयार हैं इसको बैन करने के लिए, राइट। सो किसको बैन करने के लिए, अजहर मसूद को, मसूद अजहर को। सो चाइना ऑफ कोर्स हैज रिएक्टेड स्ट्रांगली, तो चाइना ने भी वहां से रिएक्ट किया, उन्होंने बोला कि यूएस डिसीजन टू गो डायरेक्टली टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू डेजिग्नेट अजहर कुड स्कटल चाइनाज एफर्ट टू रिजॉल्व द इशूज एमिकेबली। अभी हमने एमिकेबल और स्कटल अभी पढ़ा था, स्कटल मतलब किसी भी चीज को एंड करना, फेल करना। तो कह रहा है कि मतलब चाइना ये दिखाना चाहता है कि ये जो इशू है वो खुद रिजॉल्व कर रहा है, उसने वीटो पावर इसलिए एक्सरसाइज करी है कि शायद कि वो इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप अच्छा करना चाहता है, तो वो खुद से रिजॉल्व करना चाहता है, राइट। तो उसने भी आगे से बोला चाइना ने, तो ये यूएस और चाइना का तो काफी पुरानी दुश्मनी है, दोनों ही मोस्ट सुप्रीम जियोपॉलिटिकल पावर्स हैं आपकी। तो यूएस चाइना एंगल, वॉशिंगटन विल बी अवेयर दैट चाइना वुड कंटिन्यू टू अपोज द मूव, बट इन द कहते यूएस को पता है कि अपोज करने वाला है, दैट इट विलिंग टू टेक ऑन चाइना सो ओपनली सो दैट इशू अंडरस्कोर दैट इट वॉन्ट्स टू कॉल चाइना आउट पब्लिकली। तो यूएस क्या चाहता है, चाइना को पब्लिकली लेके आना चाहता है, एंड मतलब बेसिकली यूएस वांटेड टू डिस्ट्रॉय इट्स लाइक कैरेक्टर कि आप एक टेररिस्ट के साथ होके, आप एक टेररिस्ट के साथ में हो एंड यू आर नॉट बैनिंग दैट टेररिस्ट, राइट। तो एक टेररिस्ट को बैन करने पे यहाँ पे क्या किया जाता है, जल्दी से मुझे यहाँ पे मतलब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मसूद अजहर को बैन करना, कितने लोगों को यहाँ पे पता है कि अगर बैन करने से क्या क्या हो सकता है, कॉमेंट करके मुझे जल्दी से बताओ कि क्या क्या हो सकता है, राइट। नहीं, टोटल 20 नहीं है, टोटल आपके 15 मेंबर्स हैं, उसमें से 5 मेंबर जो हैं वो परमानेंट हैं, बाकी के मेंबर जो हैं वो आपके नॉन परमानेंट हैं, 5 मेंबर के पास वीटो पावर है, ठीक है। सो आते हैं, फ्रांस प्रपोजल टू गेट अजहर लिस्टेड एज टेररिस्ट बाय यूएन टू अंडर 1267 सैंक्शंस कमिटेड वाज कटल्ड बाय चाइना। जब फ्रांस ने प्रपोजल दिया था तो चाइना ने आपका खत्म कर दिया, एंड जबकि सपोर्ट मिला हुआ था 14 आउट ऑफ 15 मेंबर्स, तो 15 में से 14 ने आपका सपोर्ट किया था टू बैन इट, और एक जो था आपका चाइना ने मना कर दिया। सो इन इट्स जील टू शील्ड पाकिस्तान चाइना हैज यूज्ड इट्स वीटो ऑन अजहर। तो अभी मैंने बताया कि चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए अपना वीटो पावर एक्सरसाइज किया। आफ्टर चाइना ब्लॉक लास्ट मंथ, फ्रांस मूव्ड क्विकली टू इंपोज सैंक्शन ऑन अजहर, राइट। सो बेसिकली आफ्टर चाइना ब्लॉक लास्ट मंथ, फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने अब
यूएन तो नहीं कर पा रहा था, तो उसने क्या किया, उसने अजहर पे, मसूद अजहर पे सैंक्शंस लगा दिए, अपने आप यहाँ पे सैंक्शन लगा दिए, किसकी मदद से, यूरोपियन यूनियन के जितने भी पार्टनर्स हैं, तो यूरोपियन यूनियन की जो लिस्ट है, टेररिस्ट लिस्ट, उन्होंने इसको बैन कर दिया है, उस पर बहुत सारे, मतलब ये काम शुरू हो गया, उस पर सैंक्शन लगने शुरू हो गए हैं, राइट। बट जब तक यूएन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन तो क्या है, उसमें तो केवल आपके अराउंड 22 मेंबर्स ही हैं, है ना, और यूएन के मेंबर्स कितने हैं, अप्रॉक्सीमेटली 193 आपके मेंबर्स हैं, राइट। तो ये जब वर्ल्ड वाइड जब बैन होगा तभी इसका इफेक्ट जो है आ सकता है, राइट। सो नेक्स्ट आते हैं, दिस हैज बीन शेप्ड बाय इंडियाज डिप्लोमेटिक आउटरीच ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स इन विच ग्लोबल सपोर्ट हैज बीन सॉट टू रिवर्स पाकिस्तान सपोर्ट टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस हैज बीन इंडिया का जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है पूरा वर्ल्ड वाइड, ये क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि ग्लोबली हमें सपोर्ट मिल रहा है, यूएस से मिल रहा है, यूरोपियन यूनियन से मिल रहा है, मेजर जितने आपकी पावर्स हैं उन सभी से हमें सपोर्ट मिल रहा है, राइट। सो द लेटेस्ट अमेरिकन मूव इज एन अनप्रेसिडेंटेड वन। तो कह रहा है कि जो अमेरिकन ने ये मूव लिया है, काफी स्ट्रिंजेंट मूव लिया है, राइट। सो ये अनप्रेसिडेंटेड है, अनबिलीवेबल है, एंड इट इज नॉट ओनली एम्ड एट फोर्सिंग द चाइनीज हैंड ऑन मसूद अजहर बट इज ऑल्सो द रिकॉग्निशन ऑफ न्यू रीजनल कॉन्टेक्स्ट इन साउथ एशिया वेर अ स्ट्रॉन्गर ग्लोबल अटेम्प्ट टू रेन इन पाकिस्तान इज द ओनली वायबल ऑप्शन ऑफ मेंटेनिंग रीजनल पीस। सो बेसिकली इट इज ऑल्सो वॉन्ट टू होल्ड अ पोजिशन इन द एशिया एज वेल, राइट, क्योंकि चाइना का होल्ड एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, एंड सो टू नॉट ओनली टू डिस्करेज द कैरेक्टर ऑफ चाइना, और ये बैन भी करना चाहता है, एंड टू मेक अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन एशिया एज वेल, राइट। सो यस, वी नीड टू बी केयरफुल फ्रॉम चाइना, अभी के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी कैन ओनली भी हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि यूएसए हमें सपोर्ट कर रहा है, हम अगर चुप रहते हैं तो आई गेस काफ़ी सही होगा, कि क्योंकि यूएस ने अभी मेजर पॉलिटिकल पावर है, उसने अपना डिसीजन ले लिया एंड इट इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंटेड सून, राइट। सो लेट्स सी कि क्या होता है इन दोनों के बीच में, अगर कोई डिसीजन सही आता है टू बैन इट तो काफ़ी अच्छा डिसीजन रहेगा, राइट। तो कितने लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया है, और जल्दी से मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ यहाँ पे लाइक कर दीजिए, राइट। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि कितने लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया, येस और नो। तो आपका चाइना और पाकिस्तान पे आपका आर्टिकल आया था, राइट। एक और आर्टिकल देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो टाइटल ट्रिकर्स ऑफ द मनी बिल। तो मनी बिल की यहाँ पे बात की गई है, सो मनी बिल आखिर है क्या, देखो कोई भी बिल आपका, ये जो बिल है रिलेटेड टू मनी, ठीक है, रिलेटेड टू मनी, राइट, इट कैन बी रिलेटेड टू योर टैक्सेस, राइट, कोई भी चीज अगर मनी की बात की जा रही है यहाँ पे तो आपका वो क्या कहलाता है, मनी बिल कहलाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट कम्स अंडर आर्टिकल 110 इन कॉन्स्टिट्यूशन, 110 आर्टिकल जो है आपका मनी बिल के अंडर आता है, ओके। तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर मुझे मनी बिल, मतलब नॉट मुझे, बट अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आपका मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस अगर इसको करना है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये बताओ कि क्या हम राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे या लोकसभा में इसे इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर हम इसे दोनों में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो जल्दी से कमेंट करके बताओ, व्हाट इज मनी बिल, मनी बिल आपका क्या होता है, जब आपके कोई भी इशू जो रिलेटेड टू मनी होते हैं वो पेश किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। सो आर्टिकल आपको पता चल गया है, अब मुझे बताओ कि कहाँ पे इसको प्रेजेंट कर सकते हो आप, इधर कैन यू इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, लोकसभा और बोथ ऑफ द हाउसेस, राज्यसभा लोकसभा, बताओ। सबसे पहला आंसर मेरे सामने आया है भूमराज, ओके, अंशिका, राज्यसभा नो, ओनली लोकसभा। देखो आंसर क्या है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बार आता है मनी बिल से, मनी अगर हमारे पास चार बिल्स होते हैं, फाइनेंशियल, मनी, ऑर्डिनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल, चारों बिल में से आपका मनी बिल जो है सबसे सुप्रीम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि इसका जो लेजिस्लेचर प्रोसीजर है वो काफी डिफरेंट है। मनी बिल आपका इंट्रोड्यूस किया जा सकता है केवल लोकसभा में, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। नेक्स्ट देखो, अगर मुझे मनी बिल, अगर किसी एमपी को मनी बिल प्रोड्यूस करना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो क्या मुझे, क्या मैं सीधा जाके इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ या फिर मुझे बताओ कि प्रेजिडेंट जो है आपके सामने, प्रेसिडेंट के हमें सिग्नेचर चाहिए होते हैं, है ना, किसी भी मनी बिल को, किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए हमें प्रेसिडेंट के क्या चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। तो अब मुझे बताओ क्या हम इसे फर्स्ट में लेंगे सिग्नेचर या लास्ट में, इंट्रोड्यूस करने से पहले या फिर इंट्रोड्यूस करने के बाद में, पास होने के बाद सिग्नेचर लिए जाएंगे, तो जल्दी से मुझे बताओ।
सो इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. तो कौन सी पार्टी आपकी, बीजेपी पार्टी के पास क्या हो गई, पावर हो गई आपके सामने, राइट. तो सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ, आते हैं आर्टिकल पे, कुछ ट्रिक्स हैं यहाँ पे मनी बिल के अंदर, वो हमें पढ़नी है, वो ट्रिक्स क्या है. ओके सो फर्स्ट प्रेसिडेंट, ओके लविश ने सबसे पहले आंसर बोला है एंड लास्ट में गलत है. सिग्नेचर रिक्वायर्ड प्रेसिडेंट, यस. देखो आप सिग्नेचर क्या होते हैं, सिग्नेचर सॉरी यहाँ पे रिकमेंडेशन की बात मैं करना चाहती थी कि प्रेसिडेंट की पहले रिकमेंडेशन लेनी होती है, तो बाद में सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है. देखो प्रेसिडेंट की पहले रिकमेंडेशन ली, आपका इंट्रोड्यूस किया लोकसभा के अंदर, लोकसभा ने आपका मेजॉरिटी से पास कर दिया उस बिल को और वो बिल आपका बन गया एक्ट, ठीक है. अब हमें जरूरत नहीं है इसमें राज्यसभा की और ना ही दोबारा से प्रेसिडेंट के पास साइन करने की जरूरत है. क्लियर सभी को, क्या ये पॉइंट क्लियर है कि मनी बिल आखिर क्या होता है और क्या क्या प्रोविजन है आपके मनी बिल के. आते हैं अब आर्टिकल पे. सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ हर्ड एन ओरल आर्ग्यूमेंट, एक केस सामने आया है रेवेन्यू बार एसोसिएशन का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की है. इन विच वैलिडिटी ऑफ फाइनेंस एक्ट, एक आपका फाइनेंस एक्ट पास किया गया था 2017 में, राइट. और उस पर कुछ चैलेंजेस हुए थे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ वेरियस जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स. सो ट्रिब्यूनल्स हमारे जितनी भी ट्रिब्यूनल्स हैं उसकी फंक्शनिंग पे ये चैलेंज करता है. सो ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, जो आपके गवर्नमेंट बनाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिब्यूनल, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये अलग से जुडिशियल बॉडी है. ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, दीज आर अंडर द गवर्नमेंट, सो दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट आल्सो. तो ये ट्रिब्यूनल्स आपके केसेस सुनती हैं, राइट. सो ये बहुत सारी, जब फाइनेंस एक्ट 2017 आया था तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स पे काफी चेंजेस हुए थे और वो चेंजेस क्या होते हैं अभी मैं यहाँ पे देखूंगी, ठीक है. मैं आगे देखते हैं. लोकसभा में मेंबर कितने होते हैं, सुरेंद्र 552 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है. दो नॉमिनेटेड होते हैं, बाकी के आपके इलेक्टेड होते हैं, ठीक है. एट फर्स्ट ब्लश अ डिस्प्यूट ओवर द अपेरेंट इन एट फर्स्ट ब्लश, क्या था पहले स्टैंड पे क्या हुआ, डिस्प्यूट हो रहा था आपका जितने भी आपके इंस्क्रूटेबिलिटीज हैं ट्रिब्यूनल वर्किंग की, ट्रिब्यूनल जो है वो कैसे काम करेगा, राइट. बट आरबीआई आर्ग्यूमेंट शोज अस हाउ द कोर्ट डिसाइड द केस विल लाइकली हैव अ प्रोफाउंड हियरिंग ऑन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट्स. तो यहाँ पे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट्स की. ट्रिब्यूनल जब आपकी बनी थी सबसे पहले, राइट, सो जब ये ट्रिब्यूनल्स पास की गई थी आपके 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर, आपके ये सबसे पहले पास की गई थी जब आपकी इमरजेंसी चालू थी इंदिरा गांधी के टाइम पे, राइट. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है आपके. तो इस पे ये केस उठाता है कि ट्रिब्यूनल्स में आखिर क्या हुआ था, क्योंकि जब फाइनेंस एक्ट 2017 आया था उसने क्या किया था, आपके फाइनेंस एक्ट के अंडर में आपका कुछ फिस्कल पॉलिसी पास की गई थी और उसमें उस एक्ट के अंडर में जितने भी आपके ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके ट्रिब्यूनल्स हैं राउंड, उनको मर्ज कर दिया गया. कुछ ट्रिब्यूनल्स को खत्म कर दिया गया और कुछ को मर्ज कर दिया गया. तो ये केस आपका एलिगेशन कर रहा है उन ट्रिब्यूनल्स की फंक्शनिंग के ऊपर. मान लो कि मैंने एक डिफरेंट एक्ट से आपकी ये ट्रिब्यूनल बनाई है, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है. सो मैंने उसको अलग पर्पज से बनाया है, एक दूसरी ट्रिब्यूनल है उसको अलग पर्पज से बनाया है और मैंने उनको मर्ज कर दिया. इसका काम अलग है और इसका काम अलग है, फिर भी हमने उसको मर्ज कर दिया है, राइट. तो इसकी फंक्शनिंग में क्या हो रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं. कुछ को अबॉल खत्म ही कर दिया कुछ ट्रिब्यूनल्स को और कुछ को मर्ज यहाँ पे कर दिया गया. तो ये केस का एलिगेशन है जो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है. सो अनट्रामल्ड पावर ऑर्डिनरी द फाइनेंस एक्ट विच इज इनएक्टेड एट द बिगनिंग ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर. तो फाइनेंस एक्ट क्या होता है, जब हम बजट पेश करते हैं तब गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी लेके आता है, ठीक है. उसमें अगेन गवर्नमेंट के कितना टैक्सेस होगा, कितना इंक्रीमेंट होगा, ये सब गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी में देखता है, राइट. सो जिस तरह से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इस तरह से गवर्नमेंट की आपकी फिस्कल पॉलिसीज होती हैं. सो अंडर द फिस्कल पॉलिसी, राइट. सो तो इन 2017 में क्या हुआ था, स्टेट विडल द स्टैच्यू लाइक अ ब्लंडर बस. मतलब जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, 2017 एक्ट के तहत में काफ़ी सारे उसने ब्लंडर्स किए थे, जैसे कि इट इज़ नॉट ओनली सेट दैट फिस्कल एजेंडा फॉर द ईयर अहेड बट इट ऑल्सो टॉपल द एग्जिस्टिंग रिजीम गवर्निंग ऑफ 26 डिफरेंट जुडिशियल बॉडीज. मैंने अभी आपको बताया जो 26 आपकी ट्रिब्यूनल्स हैं, राइट, उनकी जो गवर्निंग होती है उसको खराब किया आपके फाइनेंस एक्ट 2017 को, राइट. सो आते हैं, अनटिल रिसेंटली ईच ऑफ दीज पैनल्स वॉज गवर्न्ड बाय सेपरेट स्टैट्यूट एंड दोज लॉज इंडिविजुअली. कह रहा है कि जब तक बिफोर 2017 जितनी भी आपकी 26 बॉडीज हैं,
अलग अलग इनकी गवर्नमेंट होती थी, ठीक है, अलग अलग इनके रूल्स थे, बट फिर इनको क्या कर दिया गया, आपका कंटेन अ सेट ऑफ प्रिंसिपल प्रोवाइडिंग फॉर अमंग अदर थिंग्स क्राइटेरिया एम्प्लॉयड टू सिलेक्ट एंड रिमूव मेंबर्स टू अ टू एंड फॉर्म दीज बॉडीज एंड फॉर सैलरीज अलाउंस. मतलब ये सारी जो प्रोसीजर था वो सब कुछ डिफरेंट था, ठीक है, अलग अलग ट्रिब्यूनल का काम अलग था बिफोर दिस 2017 एक्ट. बट आफ्टर दिस 2017 एक्ट क्या हुआ, इनको मर्ज कर दिया गया, बट इन वन फेल सूप द फाइनेंस एक्ट नॉट ओनली अबॉलिश, लिखा गया है फाइनेंस एक्ट ने ना ही इनको अबॉलिश किया है सम ऑफ द ट्रिब्यूनल्स बट ऑल्सो ऑल टूगेदर री अपील द स्टैंडर्ड्स. मतलब दोबारा से जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं उनको री अपील कर दिया है, उनको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है. तो जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताओ कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया है, बताओ कि बस इतना बोला गया है कि जो आपका फाइनेंस एक्ट आया था 2017 का उसने क्या किया, जो 26 जुडिशियल बॉडीज थी उनको दोबारा से कह सकते हो रिवैम्प कर दिया है, ठीक है, कुछ को मर्ज कर दिया गया है, कुछ को खत्म कर दिया गया. अब इससे होगा क्या, कोई अलग अलग प्रोविजंस पे जो आपकी ट्रिब्यूनल्स बनी है वो अलग अलग उनके काम है और फिर भी वो मर्ज हो गई है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है. सो इन दैट प्लेस द लॉ वेस्टेड इन द इन दैट प्लेस लॉ जो है वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एब्सोल्यूट अनट्रैम्बल पावर टू मेक रूल्स टू इफेक्टिवली गवर्न द ऑपरेशन ऑफ ट्रिब्यूनल. तो गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि ट्रिब्यूनल्स को कैसे गवर्न किया जाना चाहिए, राइट. सो बी आर अम्बेडकर का विजन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीड नॉट ओनली अ कैरेक्टर ऑफ राइट्स बट ऑल्सो अ फाउंडेशन ऑफ रिपब्लिकन गवर्नेंस. मतलब कहना चाहता है कि आपके पास केवल राइट ही नहीं आपको गवर्न करता है बट बल्कि आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं कि आप किस तरह से काम कर रहे हो. His worries that democracy in India was only a top dressing on an Indian soil. कह रहा कि democracy क्या है, केवल नाम नाम की हो गई है, which is essentially undemocratic, right? मतलब अगर tribunals जो हैं आपकी, वो आप उसका decision किसके पास है, central government के पास, but as a democratic country, हमारा भी उसमें क्या होना चाहिए, consent होना चाहिए, right? So basically, statute मतलब होता है set of rules. स्टैट्यूट मतलब होता है आपके सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है, क्लियर है. चलो, अंबेडकर सेट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हैड टू बी सीन एज रिप्रेजेंटिंग, कि हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में मोरालिटी चाहिए, अ पैरामाउंट रेवरेंस फॉर ऑल द फॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सिंस सच रेवरेंस हैड टू बी कल्टिवेटेड. कह रहा है कि ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी है, राइट, जितने ये रेवरेंसेज है ये आपको कल्टिवेट करने पड़ेंगे एक पर्सन के दिमाग के अंदर. He thought it is imperative that the constitution commend the mind. ये कौन बोल रहा है, आपके डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे हैं जिन्होंने आपका ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. सो हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका ये कहना है कि हमने राइट्स दे दिए गए हैं, ठीक है, और इसी के चलते तहत पे हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी भी चाहिए थी इन राइट्स के अंडर में, राइट. सो द कॉन्स्टिट्यूशन वर्बोसिटी हैज बीन अ सोर्स ऑफ एंटीपैथी टू मेनी. कह रहा है कि ये लाइन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उस टाइम पे जब ये बन रहा था 1950 के टाइम पे, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, आप पूरे देश से कॉन्स्टिट्यूशन क्यों उठा रहे हो, कुछ हमारा पार्ट यूएसए से लिया गया है, कुछ आयरिश से लिया गया है, कुछ ब्रिटेन से लिया गया है, कुछ ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, राइट. तो ये आप पूरी दुनिया से कॉन्स्टिट्यूशन क्यों उठा रहे हो और इतना बड़ा क्यों बना दिया है, तो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसिज्म दिया था. टू लॉन्ग कहा था, टू लॉन्ग, टू रिजिड, टू प्रोलिक्स. सर आइवर जेनिंग्स जो आपके थे, आप प्री एमिनेंट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, उन्होंने क्या कहा कि डॉक्यूमेंट इन अ लेक्चर डिक्लेयर्ड उन्होंने करा था, ये आपका डॉक्यूमेंट आया था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1951 में, बट ओनली इयर्स लेटर जेनिंग्स वाज लॉडेड इंडिया फॉर रिप्रेजेंटिंग द रीजन. कह रहे पहले तो इन्होंने आपका नकारा कि इतना बेकार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद उन्होंने ही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी अच्छा है बिकॉज ऑफ दिस मोरालिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई है और इतने अच्छे से बिल्टअप किया गया है, इंस्टेड ऑफ कि ये बहुत हमारा एलिफेंट साइज कॉन्स्टिट्यूशन है. सो मुझे जल्दी से यहाँ पे बताओ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट, उसको अडॉप्शन कब किया गया था, व्हेन इट वाज अडॉप्टेड, हमारा अडॉप्ट किया गया था, राइट. अगर 1951 में आपका ये स्टेटमेंट आ रही है किसी से, तो आप मुझे बताओ कि अडॉप्शन कब किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट. तो अभी तक क्या चल रहा है, कुछ बोल रहे हैं कि बेसिकली बोलना ये चाहते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होनी चाहिए, राइट. सम ट्रिकरी वन सच क्लॉज आर्टिकल 110(1). अब आते हैं मनी बिल के बारे में बात करने वाला है.
कि आर्टिकल 110 के पहले क्लॉज के अंदर लोकसभा स्पीकर द अथॉरिटी टू सर्टिफाई अ ड्रॉट लॉ एज अ मनी बिल, कह रहा है कि लोकसभा अंडर द मनी बिल क्या होता है, लोकसभा के पास पावर है कि वो बता दे कि आपका यहाँ ये मनी बिल है या नहीं है. ठीक है, सो लोकसभा एज अ पावर टू लाइक से इट इज अ मनी बिल और नॉट अ मनी बिल. सो जितना भी डिसीजन आपका रहेगा, लास्ट डिसीजन आपका आपका लोकसभा के स्पीकर का होता है. तो मतलब सुमित्रा महाजन जी जो आपकी है उनके पास डिसीजन है. ओके, अडॉप्शन किया गया था 26 जनवरी 1950 को इसका अडॉप्शन कर लिया गया था. इसको लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को. ठीक है, सो लागू किया गया था मतलब शुरुआत हुई थी और अडॉप्शन टोटली इसका हो चुका था 26 जनवरी 1950 में. सो दीज इंक्लूड सब्जेक्ट सच एज इम्पोजिशन. अब कह रहा है कि ये जो होता क्या है मनी बिल के अंदर, अवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस, डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर चार्ज, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड सिग्निफिकेंटली also any matter otherwise incidental to the subject specified in article 110, right? अब जो भी matter होगा, जितना भी matter है आपका, ये तो है ही, और जितने बाकी के matter है वो लोकसभा के हाथ में है decide करना. तो union government for its part argued that speaker of the Lok Sabha was not only correct in making the classification but that in any event her decision was beyond judicial review. तो union government क्या कह रही है basically, जिस तरह से आपका आधार बिल पेश किया गया था, आधार बिल पे बहुत सारे स्क्रूटनी किए गए, बहुत सारे एलिगेशंस आए थे क्योंकि आधार बिल आपका मनी बिल की तरह लगा के लोकसभा में डाला और लोकसभा की मेजॉरिटी थी, राइट, तो वो पास कर दिया गया. तो यूनियन गवर्नमेंट तो कह रही है कि भाई लोकसभा की ये बियॉन्ड द जुडिशियल रिव्यू है. जुडिशियल रिव्यू पावर जो होती है आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास है, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के पास इस बिल को नहीं लेके जा सकते हो. ठीक है, इस पे सुप्रीम कोर्ट अपनी स्क्रूटिनी नहीं करेगा. तो ये आपकी थी बेसिकली, राइट. तो यूनियन गवर्नमेंट का कहना ये है, टू this end the government relied on ADA 110(3) clause which state that in case where jabki आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि जो आपका स्पीकर का ये जो राइट है वो जुडिशियल रिव्यू के अंडर आता है. इज़ अ मनी बिल और नॉट द स्पीकर डिसीजन शैल बी कंसिडर्ड फाइनल बट एज द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिपीटेडली हेल्ड द फाइनल अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डिसीजन डज नॉट ऑल टुगेदर आउट द कॉन्स्टिट्यूशन. कह रहा कि ठीक है, फाइनल डिसीजन आपका लोकसभा का स्पीकर का ही है कि मनी बिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो सकता कि ये सुप्रीम कोर्ट के परव्यू से बाहर चला जाए, तो सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं इस डिसीजन में. अल्टीमेटली द स्पीकर डिराइव हर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इन क्लासिफाइंग अ ड्रॉफ्ट लॉ एज अ मनी बिल, देयरफॉर हर डिसीजन हैज टू बी डेमोंस्ट्रेबली जस्टिफाइबल. मतलब बोल रहा है कि अल्टीमेटली डिसीजन लोकसभा का है, अगर डिसीजन लिया है मनी बिल लेने का तो वो जस्टिफिएबल होना चाहिए. ठीक है, फ्रॉम अ पार्लियामेंट्री कस्टम द आइडिया बिहाइंड अ मनी बिल इज डिराइव फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री. तो मनी बिल कहाँ से लिया गया है, हमने मनी बिल हमने लिया है ब्रिटिश पार्लियामेंट से. याद रखना, मनी बिल कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से. बट अनलाइक इन ब्रिटेन वेयर जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियंस अनएम्बिगसली प्रोहिबिटेड, इज कह रहा है कि ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन से हमने जब लिया है ये प्रोविजन, तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता. डिसीजन अगर लोकसभा के स्पीकर का है तो वो फुल एंड फाइनल डिसीजन है और सही डिसीजन माना जाता है. सुप्रीम कोर्ट या वहां के जो कोर्ट है आपका, वो नहीं इस पे कोई जांच करता है, राइट. सो नेक्स्ट आते हैं कंक्लूजन पे. मनी बिल सिंपली एग्जिस्ट टू इंश्योर दैट राज्यसभा इज इन अलाउड टू ब्रिंग डाउन अ गवर्नमेंट बाय रिफ्यूजिंग एक्सेस टू एक्सचेकर फॉर एवरी डे गवर्नेंस, राइट. सो एवरी डे मनी बिल एग्जिस्ट ओनली, मनी बिल क्या करता है, राज्यसभा को इंक्लूड नहीं किया जाता है इसके अंदर. टू यूज इट एज अ मीन्स टू नलिफाई द अपर हाउस डेमोक्रेटिक रोल इन मेकिंग सब्सटैंसिव लेजिस्लेशन डिनिग्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स विच अंबेडकर एंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसिडर. बोल क्या रहा है कंक्लूजन में कि ये जो आपका इस्तेमाल करते हो आप मनी बिल का, राइट, कि आप एक डॉक्यूमेंट को पेश करो मनी बिल उसको कंसिडर करके, जहाँ पे राज्यसभा ऑल्सो नॉट कमिंग इन, तो ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमारा है उसको क्या करता है, खराब करता है. और जो अंबेडकर जी ने कहा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी रखनी चाहिए, उसको ये हैम्पर करता है. तो अब मुझे बताओ कि कितने लोगों को समझ में आ गया यहाँ पे. आर्टिकल आपका छोटा सा है, देखो आर्टिकल समझने की बात ये है कि आपका जो केस है आपका आरबीए का
और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो एलिगेशन लगा रहा है आपके फाइनेंस एक्ट 2017 में. फाइनेंस एक्ट 2017 में जहाँ पे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को मर्ज कर दिया गया, और दूसरा आपका इसी का कंसेंट लेके आपका आर्टिकल जो 110 है, जो मनी बिल है, केवल लोकसभा में पेश कर सकते हैं उसको, एंड आपका उसके बारे में बोल रहा है कि आपकी जो पावर है, आप अगर मनी बिल पेश करना चाहते हो, मतलब अगर आपको आधार बिल लाना है, तो केवल इस मकसद से मत लेके आओ कि आपको अपर हाउस को यहाँ पे नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि हमारा क्या इंस्टीट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है और हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यहाँ पे रखनी चाहिए, राइट. सो आई होप सभी को समझ में आ गया है. ओके, तो ये आपके आर्टिकल्स थे आज के लिए, एंड आई होप आप सभी को यहाँ पे पसंद आया होगा एडिटोरियल सेशन, और आया है तो प्लीज़ यहाँ पे लाइक करे बिना नहीं जाइएगा, एंड 50% यस, तो आपको बाकी का बिल्कुल यहाँ पे एक थोड़ी सी रीडिंग अगर आप ले लोगे 2 मिनट के लिए, तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, राइट. सो ये थोड़े से जो बड़े आर्टिकल होते हैं, लॉन्ग आर्टिकल, उनको जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा. ओके, फिस्कल पॉलिसी निवेदिता इज बेसिकली व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज गिवन बाय RBI टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ मनी. इसी तरह से जो गवर्नमेंट अपनी फिस्कल पॉलिसी बनाती है, जिसमें अपने टैक्सेस, अपने मार्जिन वगैरह, एक्सपेंडिचर्स रखती है, वो गवर्नमेंट का काम होता है कि वो भी अपने मनी सप्लाई को रेगुलेट कर सकती है अंडर द फिस्कल पॉलिसी. तो यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस. फिस्कल पॉलिसी इज अंडर द गवर्नमेंट, मॉनिटरी पॉलिसी इज अंडर द RBI. दोनों का काम सेम है, टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन योर इंडिया, राइट. सो PDF आपको यहाँ पे मैं आपको भी लाइव चैट के अंदर मेल कर देती हूँ, आपको देख लेना, ठीक है. सो हम मिलेंगे कल मिलेंगे 9 बजे, और कल हम क्विज भी करेंगे, कल हम क्वेश्चंस भी करेंगे कुछ, राइट. सो कल मैं आपको मनी बिल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी. सो वी विल मीट टुमारो 9 AM. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग अंडर 247, एंड थैंक यू.